नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। समग्र लक्ष्य क्रिप्टो ट्रेडर्स को फॉरेन एक्सचेंजेस तक पहुंचने से प्रतिबंधित करना है। साउथ कोरिया के मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने क्रेडिट फाइनेंसिंग लॉ में अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया है। ये एक प्रस्ताव है जिसमें क्रिप्टो खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। साउथ कोरिया का FSC नेशनल फंड्स के इलीगल आउटफ्लो, मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेकुलेटिव बिहेवियर्स को बढ़ावा देने के बारे में चिंतित प्रतीत होता है। यह सोल्यूशन के रूप में लोकल सिटीजन्स को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रिप्टो खरीदने से रोकने का प्रस्ताव आया है। इस तरह कोरियन क्रिप्टो ट्रेडर्स की फॉरेन एक्सचेंज तक पहुंच सीमित हो जाएगी और गवर्नमेंट मनी फ्लोस पर कड़ी नजर रख सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पॉट बिटकॉइन ETF स्पेस में एक और डेवलपमेंट में एक नए एप्लीकेंट ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से संपर्क किया। फॉर्म N1A के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार स्पॉट ETF अप्रूवल के लिए BlackRock और Fidelity जैसी कंपनियों के साथ जुड़ गया। 6 फाइलिंग्स में हर में 3 लेवरेज्ड और इन्वर्स BTC ETF शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से इन फाइलिंग्स में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ETF इन्वेस्टमेंट मैनेजर BlackRock द्वारा दायर प्रस्तावित iShares स्पॉट बिटकॉइन ETF का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। इन फंड्स को अन्य स्पॉट ETF से अलग कहा जाता है क्योंकि वे जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि फंड का लक्ष्य एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के प्रदर्शन को बढ़ाना होता है जो बिटकॉइन के प्रदर्शन को दोहराना चाहता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। 2023 में 751 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में $1.8 बिलियन से अधिक की डिजिटल एसेट्स का नुकसान हुआ। हालांकि ये राशि अभी भी बहुत बड़ी है। ये 2022 की तुलना में 51% कम है, जब हैक और अन्य घटनाओं से नुकसान $3.7 बिलियन तक पहुंच गया था। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म सर्टिक की वार्षिक रिपोर्ट हैक्ड द Web3 सिक्योरिटी रिपोर्ट 2023 से आया है। 3 जनवरी को सिक्योरिटी कंपनी ने पिछले साल की Web3 सिक्योरिटी की स्थिति पर प्रकाश डालने वाला एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया। रिपोर्ट में कंपनी ने बताया कि 2023 की थर्ड क्वार्टर में $686 मिलियन से अधिक का सबसे अधिक घाटा दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट की समझौता सबसे महंगा अटैक वेक्टर बना हुआ है। 2023 में प्राइवेट की से छेड़छाड़ की 47 घटनाएं में $880 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। जब ब्लॉकचेन की बात आती है तो इथेरियम नेटवर्क ने सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया। सर्टिक की रिपोर्ट के अनुसार इथेरियम को 224 घटनाओं में $686 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें पर इंसिडेंट एवरेज $3 मिलियन का नुकसान हुआ। दूसरी ओर BNB चेन ने 387 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स दर्ज की, लेकिन टोटल लॉसेस केवल $134 मिलियन था, जो इथेरियम के फिगर से बहुत कम है। इसके अलावा क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी क्रिप्टो के लिए एक समस्या बनी हुई है और सिक्योरिटी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कई ब्लॉकचेन को प्रभावित करने वाले सुरक्षा उल्लंघनों में लगभग $800 मिलियन का नुकसान हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड CBOE ने फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड को FBTC टिकर के तहत सूचीबद्ध होने की मंजूरी दे दी है। हालांकि SEC ने अब तक डेवलपमेंट्स पर चुप्पी बनाए रखी है। फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड ने 3 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में कहा कि उसने अपने शेयर्स को CBOE BZX एक्सचेंज में लिस्टेड सिक्योरिटीज के रूप में रजिस्टर करने की योजना बनाई है। हालांकि ETF को रजिस्टर करने की पूरी प्रोसेस का हिस्सा होने के बावजूद ये सुझाव नहीं दिया जाता है कि SEC इन्वेस्टमेंट व्हीकल को अपनी मंजूरी देगा। SEC के पास स्पॉट बिटकॉइन ETF के संबंध में अपने निर्णयों को अप्रूव करने, डीले करने या रिजेक्ट करने के लिए एक हफ्ते का समय है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने US एक्सचेंज पर लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए स्पॉट बिटकॉइन ETF को कभी मंजूरी नहीं दी है। ये इन्वेस्को गैलेक्सी, बिटवाइज, विजडम ट्री, फिडेलिटी, वैनक और वैलक्री सहित एसेट मैनेजर्स के कई एप्लीकेशंस के बावजूद है। हालांकि SEC ने बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर से जुड़े इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को हरी झंडी दे दी है। इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का मानना है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल से क्रिप्टो अपनाने और ब्लॉकचेन तकनीक की स्वीकृति को बढ़ावा मिल सकता है। ओवर टू यू रोशनी।
सिक्योरिटी एनालिस्ट के अनुसार डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल गामा स्ट्रेटजीज का एक्सप्लॉइट हुआ, जिसके वजह से लगभग $3.4 मिलियन का नुकसान हुआ। प्रोटोकॉल ने आगे के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की है। टीम ने सभी पब्लिक डीफाई वॉल्ट्स में डिपॉजिट्स को डिसेबल कर दिया है, जबकि ये सुनिश्चित किया है कि अपने फंड तक पहुंचने की आवश्यकता वाले यूजर्स के लिए विड्रॉवल्स एक्टिव रहे। सिक्योरिटी फर्म पेक्शिल्ड और ब्लॉकसिग दोनों ने द ब्लॉक को बताया कि इस घटना के वजह से $3.4 मिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ है। साथ ही हैकर ने 1500 से अधिक इथर ले लिए। ब्लॉकसिग का एनालिसिस प्रोटोकॉल के अकाउंटिंग मैकेनिज्म में एक गंभीर भेद्यता की ओर इशारा करता है। गामा स्ट्रेटजीज इथेरियम और अन्य ब्लॉकचेन पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। यह यूजर्स को हाइपरवाइजर्स नामक पूल में फंड्स डिपॉजिट करने और डिपॉजिट और मार्केट मेकिंग स्ट्रेटजीज के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अर्जित करने की अनुमति देता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3DoTV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।